क्या आपको पता है फिल्म में हीरो हीरोइन द्वारा पहने गए महंगे कपड़े आखिर जाते कहाँ हैं? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। फिल्मों में हीरो और हीरोइन के कपड़े पर प्रोडक्शन कंपनी काफी खर्च करती है। जैसे पद्मावती फिल्म में दीपिका ने जो लहंगा पहना था उसकी कीमत 20 लाख थी, पर बाद में उन कपड़ों का क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुनः उपयोग के लिए संग्रह करके रखना, अक्सर इन कपड़ों को डब्बे में बंद करके एक पर्चा चिपका दिया जाता है जिससे उस कपड़ों के बारे में लिखा होता है कि इस फिल्म में और कलाकार द्वारा पहना गया था। बाद में इन्हीं प्रोडक्शन कंपनियों द्वारा दोबारा किसी फिल्म के लिए उपयोग होता है। इन्हीं कपड़ों को दोबारा उपयोग करके बैकग्राउंड डांसर के लिए कपड़े तैयार किया जाता है। हीरो हीरोइन द्वारा याद के लिए अपने पास रख लेना, कभी कभी ये कपड़े कलाकार अपने पास रख लेते हैं एक याद के रूप में, जैसे शाहरुख खान के पास अब भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में पहनी जैकेट अब भी एक याद के रूप में उनके पास है। कभी कभी ये कपड़े उन डिजाइनर द्वारा ले लिया जाता है जिसने इन कपड़ों को तैयार किया था, जैसे अनुष्का शर्मा ने बॉम्बे वेलवेट में मनीष मल्होत्रा द्वारा तैयार किए जाने वाला गाउन पहना था, उसे मनीष मल्होत्रा ने वापस ले लिया। चैरिटी के लिए नीलाम करना, कुछ कपड़ों को चैरिटी के लिए उन्हें नीलाम कर दिया जाता है, जैसे सलमान खान ने जीने के हैं चार दिन गाने में जिस तौलिया का इस्तेमाल किया था उसे चैरिटी के लिए नीलाम कर दिया था। हालांकि अब जो भी, लेकिन एक बात है कि बॉलीवुड में जो हीरो हीरोइन कपड़े पहनते हैं वो सच में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अजब गजब और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।